तो इसी के साथ स्वागत है आपका एपिसोड 6 में, यानी कि डे 5। इसमें हम सबसे पहले घूमेंगे नेचुरल ब्रिज और कवर करेंगे पूरा नाइल आइलैंड। उसके बाद हम पकड़ेंगे गोंड नॉटिका का क्रूज जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और जिसके थ्रू हम वापस जाएंगे पोर्ट ब्लेयर, जहाँ पे हम देखेंगे लाइटनिंग शो और लेंगे थोड़े गूज़बम्प्स हमारे क्रांतिकारियों से मिलकर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, जय माता दी। आज है हमारा फाइनली 5वां दिन और हम फाइनली लास्ट डेट पे आ चुके हैं। अभी हम नील आइलैंड में हैं और नील आइलैंड पे हमें 4 जगह डिस्कवर करनी है टोटल। पहला है नेचुरल ब्रिज, दूसरा है लक्ष्मणपुर बीच, तीसरा है लक्ष्मणपुर बीच टू, और चौथा है भारतपुर बीच। बाकी तो लगभग सारे बीचेस ही हैं, जैसे पुराने जगह के बीचेस थे और बाकी आइलैंड में भी बीचेस देखे हैं, तो वो हम ज़रूर डिस्कवर करेंगे। बट यहाँ की एक जो यूनिक चीज़ है ना, वो है नेचुरल ब्रिज। तो नेचुरल ब्रिज हम सबसे पहले वही देखने जाएंगे। एक चीज़ का याद रखिएगा, नेचुरल ब्रिज आप हमेशा लो टाइड में ही जाएं, क्योंकि हाई टाइड में आपको नेचुरल ब्रिज नहीं दिखेगा। तो अभी हम निकलते हैं खाना खाकर नेचुरल ब्रिज की तरफ। जय माता दी। और ये जो आगे आपको रास्ता दिख रहा है ना, ये हमें पहुंचाएगा फाइनली नेचुरल ब्रिज की तरफ। और जैसे आप आगे देख सकते हैं ना, ये फुल रॉकी बीच है, बाकी वाइट सैंड बीच से डिफरेंट है, तभी ये यहाँ की यूनिकनेस है इस आइलैंड की। और जो आपको सामने दिख रहा है ना, इसी को यहाँ पे लोग बोलते हैं नेचुरल ब्रिज। इस बीच की एक और खासियत है कि आप यहाँ मैरीन लाइफ भी देख सकते हैं छोटे छोटे स्पॉट्स में, क्योंकि जब लो टाइड होती है पानी पीछे जाता है, और वो जहाँ स्पॉट्स में पानी रह जाता है ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत फिशेज वगैरह और कोरल्स भी मिल जाएंगे आपको। अब ये नेचुरल ब्रिज कैसे फॉर्म होते हैं ना, इसका थोड़ा टेक्निकल डाटा दे देता हूँ आपको। ये जो वेव्स है ना, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूसली इन रॉक्स को हिट करती रहती है, और ऐसे हॉलो लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं केव्स। और इन केव्स को जब वेव्स लैक्स ऑफ ईयर्स तक हिट करते ही रहती है तो जैसे आप आगे देख रहे हैं ना, ऐसे हॉलो लैंडफॉर्म्स बनते हैं जो बोथ साइड हम जिसको देख सकते हैं, और इन लैंडफॉर्म्स को हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं आर्क। और अगर वेव्स की हाइट जब इंक्रीज़ हो जाती है, जब सी लेवल जब इंक्रीज़ हो जाए, और जो ऊपर का जो नेचुरल ब्रिज है इवन वो भी कोलैप्स कर सकता है, और जब वो कोलैप्स कर जाए तो और जो पिरामिड टाइप बनेगा उसको हम बोलते हैं स्टैक। और फाइनली एंड में जब ये वेव्स फिर उसको और भी मिलियंस ऑफ ईयर तक हिट करते रहें, तो वो स्टैक भी फाइनली टूट जाएगा, और जो फाइनली एंड में बनेगा उसको बोलते हैं स्टम्प। जस्ट नॉलेज के लिए आप एक बार ये फ़ोटो को देख लीजिए, ताकि आपको हमारे कोस्टल लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं वो पता चल जाए। और ये जो आर्क बनती है, जिसे हम नेचुरल ब्रिज भी कहते हैं, ये नो डाउट फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी प्लेस है, और ये इकलौता रीज़न है जिसे देखने के लिए लोग नील आइलैंड आते हैं। यहाँ बीच में इतनी तेज़ धूप थी, तो मैं अब फाइनली बाहर आ गया हूँ, तो मैं इस शॉप में बैठ के ठंडा सा आम पन्ना मैंने ऑर्डर कर दिया है, उसको पी के एकदम रिफ़्रेश हो जाऊँगा। अब मैं जा रहा हूँ अपनी स्कूटी में बाकी बीचेस की तरफ भी, वो लगभग सेम ही है जैसे हमने पहले इतने बीचेस देख लिए, तो मैं उनको आपको जस्ट फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दूंगा एक बार में। अब फाइनली हमने नील आइलैंड भी पूरा कवर कर लिया, तो एंड में भरतपुर बीच आ जाएं और यहाँ ट्रीज के नीचे बैठकर रिलैक्स करें अपने रिटर्न क्रूज का पोर्ट ब्लेयर के लिए। और फाइनली मैंने पोर्ट ब्लेयर के रिटर्न के लिए बुक किया गो नॉटिका का क्रूज़। ये निकलेगा 4 o'clock और मुझे पहुँच जाएगा 5:15 पोर्ट ब्लेयर। अब आप इसका एक बार अंदर से ग्लिम्स ले लें, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें ओपन डेक में जाना अलाउड नहीं है। मैं फाइनली पहुँच गया हूँ वापस पोर्ट ब्लेयर में, और मुझे डेफिनेटली बताया आप भी मेरी तरह बहुत थक गए होंगे, तो जस्ट जाइए और लाइटनिंग शो जो होता है ना सेलुलर जेल में, उसको आराम से चेयर पर बैठ के देखें और अंडमान ट्रिप को कंक्लूड करें। तो अब मैं पहुंच गया हूँ सेलुलर जेल में, इसका जो 750 का जो हिंदी वाला शो होता है ना वो देखने के लिए आया हूँ। अभी मैं थोड़ी देर में आपको हल्का सा अंदर लाइटनिंग शो का ग्लिम्स दूंगा, ताकि आपको आइडिया लगे कि कितना सुंदर और कितना ज़्यादा गूज़बम्प्स देने वाला ये लाइटनिंग शो है। में झूमते गीत गाते जेल में कदम रख रहे थे, मानो जेल नहीं मंदिर जा रहे हो।
आजादी के ये परवाने देश के कोने कोने से आए थे, जिन्हें ये माहौल हताश करने के बजाय जुल्म का मुकाबला करने की प्रेरणा देता रहा। वीर विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। फाइनली वापस आ गया हूँ जो लाइटनिंग शो था सेलुलर जेल में वो देखने के बाद, और अभी मैं यहाँ पर वापस जो वही मरीन ड्राइव है पोर्ट ब्लेयर का मरीना पार्क बीच में, वहीं पे वापस आके वहीं थोड़ी सी वॉक कर रहा हूँ। तो इसी के साथ हमारा आज फिफ्थ डे यानी कि लास्ट डे ख़त्म हुआ एक सूदिंग से एंड के साथ। ये लाइटनिंग शो देख के फुल गूज़बम्स आ जाते हैं, ऐसे दिल से जय हिंद बोलने का मन कर जाएगा आप लोगों का। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ये लाइटनिंग शो ज़रूर देखिए, इसके बिना आपका ट्रिप अधूरा रह जाएगा। एक फ़ाइनल अलविदा कहने से पहले ना मेरे माइंड में एक सवाल आया जो मेरा आप सबसे शेयर करने का और आप सबसे पूछने का दिल किया, तो इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा। मान लीजिए हम तमिलनाडु जाते हैं तो हमें वहाँ पर तमिल कल्चर दिखता है, तमिल के लोग दिखते हैं। मान लीजिए हम कर्नाटका जाते हैं तो हमें वहाँ पर कन्नड़ का कल्चर दिखता है, कन्नड़ लोग मिलेंगे। आप जम्मू आ जाए हमारे घूमने, आपको वहाँ पर हमारे डोगरा मिलेंगे, डोगरा का कल्चर मिलेगा, वहाँ उस तरह का खाना मिलेगा। आप कश्मीर चले जाएंगे तो आपको कश्मीरी दिखेंगे, कश्मीरी खाना दिखेगा, कश्मीरी फेरन पहनने को मिलेगा। बट जब हम अंडमान आते हैं ना, यहाँ हमें अंडमानी नहीं दिखते। यहाँ आज के टाइम पर कोई अंडमानी नहीं बचा, मेरा पूरा अंडमान निकोबार का ट्रिप ख़त्म हो गया आज और मैं एक अंडमानी को नहीं मिल पाया। यहाँ प्रॉबेबली 90% पॉपुलेशन बंगाली है और बाकी 10% मिक्सड है जो केरला और तमिलनाडु और बाकी सब जगहों से आए हैं। तो यहाँ पे हमें एक दूसरा कल्चर देखने को मिलता है, बंगाली कल्चर देखने को मिलता है, ना कि अंडमानीज कल्चर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या ये सही है कि हाँ यहाँ पर हम अंडमान आज इंडिया का पार्ट है, इंडिया के साथ है, बट इसी चीज़ में हमने अंडमानीज का अपना कल्चर खो दिया? ये शायद अभी नहीं शुरू हुआ, ये अंग्रेज़ों के टाइम पे शुरू हुआ था, अंग्रेज़ों ने यहाँ के कल्चर को ख़त्म करना शुरू किया। बट आज के टाइम पे यहाँ का कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यहाँ का लोकल कोई कल्चर बचा ही नहीं। यहाँ आके ऐसा लगता है कि हम बंगाल वेस्ट बंगाल के ही एक दूसरे आइलैंड पे आ गए हैं। तो वही कल्चर को हमें प्रिजर्व करना चाहिए, जो यहाँ कल्चर है उसको बचाना चाहिए, और इनके अपने लोगों को जो हमारे यहाँ के टूरिज़्म से जो बेनिफिट हो रहा है उस बेनिफिट को इनके लोगों तक पहुँचना चाहिए, ना कि दूसरी जगह तक, और यहाँ के लोग उस चीज़ को उस बेनिफिट को उसका बेनिफिट उठा सकें उस चीज़ का। थैंक यू। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ जो हैं वो पसंद आई हैं तो इनको लाइक करें, अपने व्यूज़ कमेंट कीजिए। और मैंने जैसे कि ये बिल्कुल अपने पैशन को फॉलो करने के लिए किया, ना कि कोई स्पॉन्सर है मेरा, ना कुछ है मेरे, आप व्यूज़ देख लेंगे अभी बहुत कम होंगे, तो कोई स्पॉन्सर भी नहीं है मेरा, बस पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। तो जितना भी मैंने अपने व्यू पॉइंट्स एकदम ओरिजिनल हैं, कुछ किसी की तरफ बायस नहीं है, ओरिजिनल व्यू पॉइंट्स हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें, और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मैंने जो एफर्ट डाला है उसका मुझे पूरा रिजल्ट मिले। और सब्सक्राइब आप पे है, अगर मैंने आगे फ्यूचर में वीडियोज़ डाली तो हो सकता है आपको सब्सक्राइब का बेनिफिट मिले, और मुझे शायद पता नहीं मैं डाल पाऊँ या ना डाल पाऊँ। आगे मैं जो सिविल जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज में ज्वाइन कर लूँगा, उसके बाद मुझे फिर से मौका मिले ना मिले, तो प्लीज़ जितना मैंने किया है उसको देख के, उस कंटेंट को देख के लाइक कमेंट और शेयर करके सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।